Yes. which before it is released into the sea. हाँ ये देखिए यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ. दे आर हर्माफ्रोडाइटिक, रिप्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन वन सेल इज एम्ब्रियो जायगोट स्टेज से मेनी सेल एम्ब्रियो स्टेज इज अचीव्ड एंड देन द एम्ब्रियो क्लिव्स इनटू ए ग्रुप ऑफ सेल्स टर्न्ड एज साइथोजॉइट और ऊजॉइट. Which before it is released into the sea water, buds of four zygotes. अब देखिए यहीं पर अल्टरेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. जब अभी तक बॉडी में है, ठीक है, साइथोजॉइड, और बॉडी के अंदर ही स्टोलोन में जो है इट बर्ड्स ऑफ असेक्सुअली इनटू फोर जूआइट्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर फोर जूआइट्स बने, ठीक है, बर्डिंग हो रहा है. जैसे हाइड्रा में आप पढ़े होंगे बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग. यस सर। कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इज थ्रू बर्डिंग. अमीबा में कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन, है ना. यहां भी बर्डिंग हो रहा है. बर्डिंग कंटिन्यूज और बर्ड ऑफ फ्रॉम द एंड बर्डिंग कंटिन्यूज आफ्टर रिलीज ऑफ द पेरेंट अंटिल द कॉलोनी बिकम्स क्वाइट लार्ज. बस इतना सा ही. अब इसमें सारा इसका लाइफ साइकिल का सार है. दे आर हर्माफ्रोडिटिक, फ्रोडिटिक, रिप्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द इम्ब्रियो क्लीव्स इनटू ए ग्रुप ऑफ सेल्स टर्म्ड एज साइथोजॉइट फर्स्ट. देन बिफोर रिलीजिंग इनटू द सी, साइथोजॉइट से बर्ड ऑफ होकर के चार, फोर स्टेज, फोर बर्ड स्टेज एनिमल इज देयर क्रिएटेड हैज अराइज्ड. द एम्ब्रियो क्लिप्स इनटू अ ग्रुप ऑफ सेल्स टर्म्ड एज साइथोजॉइट व्हिच बिफोर इट रिलीजिंग इनटू द सी वाटर बर्ड्स ऑफ फोर जुआइट्स. एंड उसके बाद ये जो है क्या होगा, इट विल बी रिलीज्ड, ठीक है. और रिलीज्ड होगा तो देन साइथोजॉइट जो है डिजेनरेट कर गया एम्ब्रियो एंड बर्ड विल टेक द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी. सो डिफरेंट डिफरेंट. और उसके बाद फिर और बर्डिंग होगा, उसमें बर्डिंग कंटिन्यूज. लेकिन जब एनिमल से बाहर निकला उसमें चार बर्ड्स थे, यानी फोर इंडिविजुअल्स आर देयर. और बाद में फिर इंडिविजुअल की संख्या बर्डिंग ऑफ प्रोसेस से बढ़ती है. मेंबर्स ऑफ ऑर्डर पायरोसोमेटिडा इंक्लूड्स क्लोनल एंड सेक्सुअल फेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल. क्लोनल हो गया असेक्सुअल फेज एंड द सेक्सुअल फेज आल्सो. लाइफ साइकिल कैसा है? एग्स डेवलप इनटू लेसिथोट्रॉफिक ऊजॉइड. लेसिथोट्रॉफिक का मतलब हम बताए थे लास्ट क्लास में, बता सकते हैं आप लोग? व्हेन द एनिमल इज सेड टू बी लेसिथोट्रॉपिक दैट मीन्स द एनिमल हैज ग्रोन फीडिंग एंटायरली ऑन द योक प्रेजेंट इन द एग. समझ रहे बात को? सर माइक्रो लेसिथल एक था क्या? हाँ, माइक्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, ए लेसिथल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म है. माइक्रोलेसिथल मतलब व्हेन द दैट इज इन द टर्म रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इन द एग, ठीक है. तो दैट इज माइक्रोलेसिथल एग होता है जब योक का अमाउंट कम है, बहुत ही कम मात्रा में. जैसे माइक्रोलेसिथल एग किसका है? मेढक का है, फ्रॉग का, ठीक है. तो पुराना जो नोमेनक्लेचर है उसको उसमें लिखता है माइक्रोलेसिथल का एलेसिथल. तो एलेसिथल टर्म इज नॉट करेक्ट बिकॉज योक इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो. तो भले ही कम मात्रा में योक है लेकिन अब्सेंट नहीं है. तो एलेसिथल वर्ड यूज नहीं करोगे, माइक्रोलेसिथल यूज करो. माइक्रोलेसिथल तो जो एक माइक्रोलेसिथल होता है
यानी योग का अमाउंट कम है। और योग में क्या होता है कंटेंट, लाइकवाइड कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट, डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल लाइकवाइड कंटेंट। जैसे एम्फीबिया का एग है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है योग में, मुर्गी का अंडा है उसमें योग कंटेंट ज्यादा है, किसमें योग में, योग में लिपिड कंटेंट ज्यादा है, यानी जो पीली वाली जर्दी देखते हो वो उसमें, ठीक है। क्योंकि लेकिन मुर्गी का अंडा में क्या है एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी है एल्ब्यूमिन का उसके योग के चारों तरफ, तो दैट इज एक्स्ट्रा। एंड इस तरह का एक जो होता है जिसमें योग अमाउंट ज्यादा होता है जैसे मिसोलेसिथल, जब माइक्रोलेसिथल से मिसोलेसिथल हो जाएगा ये, ठीक है, किसी एनिमल में मिसोलेसिथल, जैसे कुछ बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ओके द एग्स आर मिसोलेसिथल, तो मिसोलेसिथल एक होगा मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज देयर। तो मॉडरेट समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो ये सब टाइप ऑफ। तो मिसोल जब योग का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा वो सेटल डाउन होगा नीचे में, तो दैट इज व्हाई हाउ वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल इज क्रिएटेड, ठीक है। और योग का अमाउंट और ज्यादा हो गया देन क्या होगा टीलोलेसिथल हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोलेसिथल एक्स आर टीलोलेसिथल, इवन मिसोलेसिथल एक्स आर टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल मतलब एक योग जो है सस्पेंडेड है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग है, एक क्लासिफिकेशन क्लियोडिक एग एंड नॉन क्लियोडिक एग है। क्लियोडिक एग मीन्स एंटायरली द एनिमल हैज डेवलप्ड इनटू द एडल्ट वन, एडल्ट लुकिंग लाइक एनिमल फीडिंग ऑन द योग एंटायरली। तो जैसे आपका मुर्गी का अंडा हो गया क्लियोडिक एग, बट एम्फीबियन एग इज नॉट क्लियोडिक एग। तो माइक्रोलेसिथल एग जब होता है तो वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम दैट एग बिकम होलोलेसिथल, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ योक है तो योक इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। बट पहले वाला केस में हम क्या देखे थे हर्डमेनिया में योक वॉज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, इंस्टीड द डेवलपमेंट वॉज डिटर्मिनेट द साइटोप्लाज्मिक रीजन, डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक रीजन्स वॉज डेवलपिंग इन टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो ये हो गया लेसिथोट्रॉपिक एग का मतलब है। अब उतना डिटेल में एग कभी होगा आप लोगों के सिलेबस में, नहीं होगा तो कोई नहीं, कहीं अगर मिलेगा एग के बारे में बताना तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो एक्स्ट्रा आप पढ़ लो कहीं से, ठीक है। एग डेवलप्स इंटू लेसिथोट्रॉफिक, तो ये हो गया पूरा जो न्यूट्रिशन लिया वो एग से लिया, ओजिओइड साइथोजॉइड फॉर्मेशन होगा। देन इट अंडरगोज बर्डिंग टू फॉर्म फोर ब्लास्टोजुआइड्स, इसीलिए नाम इसका ब्लास्टोजुआइड्स कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब कॉलोनी को ब्लास्टोजुआइड्स कहते हैं, ब्लास्टोजुआइड्स मतलब ये एसेक्सुअली फॉर्म्ड हुआ है, किससे साइथोजुआइड से, साइथोजुआइड बाद में डिजेनरेट कर गया, ब्लास्टोजुआइड रह जाता, आगे फिगर में हम दिखाएंगे। द ओजिओइड डिजेनरेट्स, यही ओजिओइड लिखा ना, ओजिओइड इज साइथोजुआइड ओनली, द ओजिओइड डिजेनरेट्स एंड द कॉलोनी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोजुआइड्स, दीज फोर ब्लास्टोजुआइड्स, और ये लीव कर जाता है एनिमल को, छोड़ के चला गया और ये एक नया कॉलोनी बनाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए आप, थोड़ा सा रह गया बस खत्म हो जाएगा ये क्लास। यस सर। अब फिगर आप देख लो, ठीक है, इसका समझ लो, तो ये लाइफ साइकिल विल बी क्लियर टू यू। थोड़ा ये फिगर भी कंफ्यूजिंग बना दिया था, हमको भी बहुत दिमाग लगाना पड़ा इसको, मतलब बहुत दिमाग नहीं, थोड़ा सा टाइम गया मेरा इसको देख देख के समझाऊं, ओके, क्योंकि किसी बुक में ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ मिला मुझे। अब देखिए इस फिगर को, इज दिस फिगर क्लियर टू यू, दिस वन, यस सर। नाउ सी, ये 20 मीटर तक लंबी हो सकती है कॉलोनी, इसके वाल को यहाँ पर एनालाइज करके देखा गया है, ये मैग्निफाइड है, वाटर इज कमिंग इन, ठीक है, इधर से वाटर आ रहा है इसके कॉमन क्लोका में बाहर, फिर देयर इज अनदर, बगल में एक और जुआइड है, तो ब्लास्टोजुआइड,
which has been sexually matured. This zooid has not been sexually matured yet. Okay. As you can see in this, there is no ovary and testis. This is still developing. इसीलिए दो दिखाया. अभी development में है this zooid and this zooid has sexually matured. Okay. This is part of the colony and this is the tentacle. Tentacle is attached to the mouth in fully mature individual. But tentacle is not there in this. So this is a sexually mature zooid in which ovary and testes are there. इतना तक clear है? Yes, sir. Okay. Now from the ovary and testes, the male and female gametes जो है that has fertilized first. Okay, इसको थोड़ा सा modify कर लेना feature को. यहाँ पर एक include कर देना. किसको? आप इसको साइथेजुआइड को, उसमें साइथेजुआइड गायब कर दिया, इसको इंक्लूड कर दोगे आप साइथेजुआइड यहां पर. इसीलिए समझ में नहीं आया बहुत देर तक हमको ये हो कैसे रहा है. यहां पर साइथेजुआइड ऐड कर दोगे, ठीक है. मेल और फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज होकर के एक सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ और जायगोट फॉर्मेशन हुआ, दैट इज साइथेजुआइड. साइथोजुआइड से जो है एस डेवलपिंग एसेक्सुअल जुआइड, उसी में साइथोजुआइड से दिस इज होल ये डैश स्ट्रक्चर जो है दिस इज साइथोजुआइड ये इनसाइड दिस. सो फ्रॉम द साइथो एंड दिस अगेन द साइथोजुआइड इज द ग्रुप ऑफ सेल्स. फ्रॉम द साइथोजुआइड सम स्पेशल सेल्स आर गिविंग राइज टू एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग giving rise to birds. Okay, so एक bird develop हुआ, developing asexual zooid first, ठीक है. ये asexual zooid develop हुआ उसमें, और उसमें चार pro bird, ठीक है. चार प्रो बर्ड अभी स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग. सो दिस इज फोर प्रो बर्ड्स आर देयर. यहाँ तीन दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा. एंड दिस वन इज योर व्हाट इज दिस, ये बड़ा वाला जो ब्लैक से है, ये हो गया आपका साइथोजुआइड. ओके, पहले एक साइथोजुआइड यहां बना लेना स्ट्रक्चर साइथोजुआइड. And this black margin is cythozooid. And from the cythozooid, four asexual zooids develop in the form of probird. तीन, ये एक इसके पीछे है, इसलिए नहीं दिख रहा है. Clear हो रहा है कि नहीं आपको? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then asexual zooids die. Probird is still alive. कहने का मतलब हुआ इसको आप कर लो ए हटा दो, समझे. इस ए को हटा दीजिए, असेक्सुअल जुआइड डाई नहीं, असेक्सुअल जुआइड तो फॉर्म ही कर रहा है. सेक्सुअल जुआइड डाई यानी साइथोजुआइड मर गया, फिर डिजेनरेट कर गया. एंड प्रो बर्ड्स स्टिल अलाइव, समझ गए. इस ओ को यही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया कल मुझे, इस ओ को काटो. सेक्सुअल जुआइड ये जो है डिजेनरेट हो गया एंड प्रो बर्ड्स आर स्टिल अलाइव. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना ही रोल था इस लाइफ इसके लाइफ साइकिल में. जायगोट से आपका साइथोजुआइड बना, साइथोजुआइड से चार ठो प्रोबर्ड निकला. सेक्सुअल जुआइड डाय, प्रोबर्ड्स आर स्टिल अलाइव. सेक्सुअल कॉलोनी डाइज, हस्क रिमेन्स. तो क्या होता है किसी किसी में, अगर बूढ़ा हो गया है ये पूरा, ठीक है, एजेड हो गया है, तो हो सकता है दिस सेक्सुअल कॉलोनी यानी सेक्सुअल कॉलोनी ये इसको कह रहा है. नो नॉट दैट वन, इसको आप ओमिट कर दो. ये कह रहा सेक्सुअल कॉलोनी मतलब हो गया इसका साइथोजुआइड को यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ बीच में सेक्सुअल जुआइड्स डाई शुड नॉट बी देयर. तो इसको आप डायरेक्ट इसको भूल जाओ,
उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, इसको इसको हटा दो, इसको यहीं पर इंक्लूड कर लिए हम, सेक्सुअल जुआइड्स डाय, यहाँ पर प्रो बर्ड्स स्टिल अलाइव, यहाँ के बाद ये इस प्रोसेस को गिना, प्रो बर्ड्स रिलीज्ड डिवाइड कंटिन्यूअसली टू प्रोड्यूस न्यू कॉलोनीज। ओके, कुछ पूछना है आप लोगों को? एंड बायोल्यूमिनेसेंट थैलेसियन कॉलोनी कंपोज्ड ऑफ सेक्सुअल इंडिविजुअल्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस, इसको भी बोल जाओ, इतना तक आके हो गया। कुछ पूछना है किसी को? कहीं कंफ्यूजन है? सर आप बोले थे अभी एक जॉइंट को ओवर डेवलपिंग एसेक्सुअल जॉइंट के ऊपर रखना है। अच्छा, अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक यहाँ फोटो और इंट्रोड्यूस कर देना इस लाइन में, ठीक है? इसको साइथोजॉइड, देखो ये फिगर है, डिस्टर्ब हो जाएगा, रखो यहाँ पर साइथोजॉइड को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ये वाला फिगर, दिस वन, ओके ओके सर, साइथोजॉइड विथ फोर एसेक्सुअली प्रोड्यूस जुआइड्स, तो फोर एसेक्सुअली प्रोड्यूस जू, यही फिगर जो है, the same figure is this, वो वाला फिगर और ये फिगर एक ही है ना? Yes sir. साइथोजुआइड है और साइथोजुआइड से चार बर्ड्स जो है प्रो बर्ड्स आर फॉर्मिंग, तो यहां पर एक बना देना साइथोजुआइड अकेला विदाउट प्रो बर्ड। ओके सर, साइथोजुआइड विदाउट, ये बर्ड मत दिखाइएगा, ये साइथो, और वहां लिख दीजिएगा जायगोट और इम्ब्रियो, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड इम्ब्रियो, बर्ड मत दिखाइएगा, एक ऐसे गोल बना देना और फिर एक गोल और बना देना, डॉट 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 मार देना, बस सिंपल हो गया वो, कॉलोनी ऑफ सेल्स यहाँ पर जायगोट बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स, एक एक देखो ऐसे बना दो, कहाँ गया एनोटेशन, ऐसे गोला मार दो और उसमें ऐसे दिखा दो, और यहाँ टर्म कर दो, साइथोजुआइड है ही, ओके लिख देना, जायगोट मत लिखना, इम्ब्रियो लिखना, मेनी सेल्ड है इम्ब्रियो, एंड इम्ब्रियो के बाद ब्रैकेट में सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड भी लिख देना, इम्ब्रियो ऐसे हमेशा सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ही होता है, इम्ब्रियो का कहने का मतलब है सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, तो ये लिख देना और फिर उसके बाद इसी में दिखा देना आप फोर प्रो बर्ड्स, क्लियर है आपको? यस सर, and then you will omit this A here, then what happens, साइथोजुआइड die and pro bird is still alive, और उसके बाद एक एरो मार देना यहाँ से यहाँ, इसको गायब कर दो, and then it is complete your life cycle, clear है सब लोगों को? Yes sir, yes yes sir, और थोड़ा सा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिटेल में बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा, फर्स्ट फोर प्रो बर्ड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म, तो ये ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म है, लेकिन ये ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म हैज अराइज फ्रॉम वेयर, द सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म हैज गिवन राइज टू अ ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म, सो दिस इज द ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म दिस वन, एंड देन फोर प्रो बर्ड्स आर अराइजिंग and in this degenerate primary asexual zooid, तो ये भी आप कर सकते हो, पहला जो zooid sexual zygote से sorry साइथोजुआइड से एक asexual, एक large asexual zooid create हुआ, four probirds formed from a transient asexual form,
उससे एक साइथोजुआइट से एक ट्रांजिएंट असेक्सुअल फॉर्म जनरेट हुआ एंड दैट असेक्सुअल फॉर्म इज बडिंग ऑफ बडिंग. ठीक है, दिस इज द ये बड़ा वाला गोला जो है असेक्सुअल फॉर्म है एंड दिस हैज कम फ्रॉम द साइथोजुआइड सेक्सुअल फॉर्म और इससे चार बड निकले. ठीक है, और बाद में जब चारों प्रोबड हो गया देन इट डीजनरेट्स असेक्सुअल जुआइड ऑल्सो डीजनरेट्स एंड साइथोजुआइड ऑल्सो डीजनरेट्स. ठीक है, तो ये तो डिटेल में हो गया, इसके अंदर क्या हो रहा है. ओवरऑल क्या हो रहा है यहीं पर साइथोजुआइड, यहां पर हम वो नहीं बताया आपको कि पहला जो असेक्सुअल फॉर्म है दैट ऑल्सो डीजनरेट्स. अच्छा, यहाँ देखिए लिखा भी है, असेक्सुअल जुआइड्स डाई प्रो बर्ड स्टिल अलाइव. सो पहले असेक्सुअल जुआइड डाई किया तो इसको आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ये सब स्टेज, तब आपको ये कंप्लीट होगा. यहाँ असेक्सुअल जुआइड डाई प्रो बर्ड स्टिल अलाइव, फिर सेक्सुअल कॉलोनी डाई, कॉलोनी तो ये हो गया पूरा, ये तो डाई तभी करेगा जब एज होगा. ओके, तो ये दोनों को मिला के आप समझ लो, पहले असेक्सुअल फॉर्म जो है जो एराइज हुआ जिससे प्रोबर्ड निकला वो डिजेनरेट कर गया. बर्ड्स बॉर्न ऑन स्टॉक, तो दिस इज द स्टॉक, बर्ड्स आर बॉर्न ऑन द स्टॉक. फोर्थ बर्ड नॉट विजिबल इज बिहाइंड द प्राइमरी जुआइड, दिस इज प्राइमरी जुआइड. प्राइमरी जुआइड ऑल्सो डिजेनरेट्स, सेक्सुअल जुआइड ऑल्सो, ऊ जुआइड ऑल्सो डिजेनरेट्स, ओनली द बर्ड रिमेन्स. फोर बर्ड buds of from stolon and remaining joined together by a narrow stalk coil around body of parent zygote. Buds increase in size, parent zygote dies. This process usually takes place inside the body of a sexual zygote which is part of the original collarbone. Okay, to overall kya ho raha hai pyrosoma mein, dekhiye colony primarily of blastozoites is giving rise to blastozoite asexual individuals hai, se develop hua hai sexual reproduction ki wajah se, colony hai abhi blastozoites, it is giving rise to oozoite. theek hai, baad mein oozoite degenerate kar gaya and retained in the parent, fir parent mein fir ye kyunki bahar to gaya aapka four bud stage, wo dusra colony ko form karega, oozoid jo hai parent mein hi reh gaya, fir baad mein degenerate, kyunki degenerate ho gaya fir wo destruct ho gaya, wo bahar nahi gaya oozoid, aur fir this oozoid has given rise to asexually produced blastozoites, then again blastozoites is forming the colony, blastozoites are forming oozoid, oozoid are forming blastozoites, so this is the cycle. Are you getting my point? So, asexual or sexual दोनों method होता है इसमें ना? हाँ, blastozoite जो है as a result of the sexual reproduction and oozoite is as a result of the sexual reproduction. फिर से मैं बता देता हूँ sequence of events. पहले fertilization हुआ internal and then आपका oozoite का formation हुआ at many cell stage of the oozoite. One of the cell will differentiate into primary asexual zygote, okay, या आप कह लीजिए primary zygote, and from the primary zygote four buds will arise asexually, simple division. चार बर्ड निकले प्राइमरी जुआइड से, फिर प्राइमरी जुआइड डिजेनरेट हुआ और फिर साइथोजुआइड भी डिजेनरेट हो गया. दोनों डिजेनरेट होने के बाद ये फोर बर्ड स्टेज एनिमल जो है now it will come out through the vellum. This four, the four colony founder, ye founder ho gaya ab colony ka, ye found karega colony ko. Four colony founder zygote after disintegration of the saithozoite. Now this is ready to go and start a new colony. Have you got my point? Yes, sir. Okay, see, यहाँ पर दो लाइन में लाइफ साइकिल लिखा हुआ है. पायरोसोमा और ये लाइन अच्छा लगा हमको, इसलिए मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये पिक्चर है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया.
Pyrosoma are hermaphroditic, with each zygote producing both eggs and sperm. The fertilized egg gives rise to an embryo that develops into four attached zygotes, which subsequently reproduce asexually by budding off into new zygotes. This budding process is responsible for the growth of the colony. Thus, the life history of Pyrosoma includes both sexual and asexual phases. क्लियर? कुछ इसमें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, कर चुके हैं एक्सप्लेन कई बार। अब देखिए, पायरोसोमा का यूनिक प्रॉपर्टी है टू बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। सो पायरोसोम्स ऑफन एग्जिबिट वेव्स ऑफ लाइट पासिंग बैक एंड फोर्थ थ्रू द कॉलोनी एज इच इंडिविजुअल जुआड डिटेक्ट्स लाइट एंड देन एमिट्स लाइट इन रेस्पॉन्स। मतलब ये कम्युनिकेशन कर रहा है लाइट के थ्रू, एक जुआइट दूसरा जुआइट से बात कर रहा है। क्या नेट स्लो, मेरी आवाज कट के आ रही है, कृति कर रही है कि नेट स्लो है? सर नो सर, यस सर, कट के आ रही है, कट कट के आ रहा, कट के आ रहा आवाज अभी? यस सर, अब ठीक आ रहा है। पहले बोलते ना कट के, मेरा मोबाइल तकिया के नीचे था मोने में। ओ अभी मैसेज देखा मैंने, कीर्ति का। अच्छा तो अब बाहर निकाला हूँ, अभी ठीक है आवाज? यस सर, अभी कट के आ रहा, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। पायरोसोम्स ऑफन एग्जिबिट वेव्स ऑफ लाइट पासिंग बैक एंड फोर्थ थ्रू, ये लाइट के थ्रू बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। इच इंडिविजुअल जुआड डिटेक्ट्स लाइट को डिटेक्ट भी कर रहा है, एंड देन इट एमिट्स द लाइट इन रेस्पॉन्स। इच जुआइड कंटेन्स ए पेयर ऑफ लाइट ऑर्गन्स लोकेटेड नियर द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द ट्यूनिक विच आर पैक्ड विथ ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनल्स दैट मे बी इंट्रासेलुलर बायोल्यूमिनेसेंट। चूंकि अब ये लाइट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म के बाद रिसर्च हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, तो बस इतना जान लो आप लोग। इच जुआइड outside the surface, each zygote contains a pair of located near the outside of the tunic which are packed with that organ, light producing organ is packed with luminescent organelles that may be luminescent organelles, organelles hai cell ke andar aur wahan se light nikal raha hai, theek hai। ab organelles ke andar kya ab koi bacteria to nahi hai, that may be intracellular bioluminescent bacteria, iski sambhavna hai। The waves of bioluminescence that move within a colony are apparently not propagated by neurons. इसमें nerves, the waves of bioluminescence that move within the colony are apparently not propagated by neurons, but by a photic stimulation process. Flashing zygotes not only stimulate other zygotes within the colony to luminescence, but nearby colonies also will also display bioluminescence in response. So, ye sirf within a colony nahi, across the colony also they communicate through this bioluminescence. Colonies will luminescence in response to touch as well as light. Yani mechanical stimulation bhi hoga to bhi, and it is photogenic. So, light के रेस्पॉन्स में भी, इवन पानी में वेव क्रिएट हुआ तो दैट ऑल्सो, क्योंकि वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, सो इन द रेस्पॉन्स ऑफ दैट ऑल्सो द लाइट विल बी क्रिएटेड। अब ये ज्यादा स्टडी हुआ नहीं कि कोई डेंजर साइन आया, कोई हार्मफुल एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट, अनफेवरेबल एनवायरमेंट में उसको पुट कर दिए तो क्या हो रहा है उसमें, तो ज्यादा स्टडी नहीं हुआ, क्योंकि ये बाहर निकालने के बाद मर जाता है। लेबोरेटरी में इसको रखना, कल्चर करना इसको इज नॉट पॉसिबल। ओके, यू गॉट? सो दिस चैप्टर इज, दिस पोर्शन इज ओवर नाउ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, कोई सवाल पूछना है आप लोगों को? नो, चलो ठीक है, बंद करते हैं खाता बही। अब मिलेंगे हम लोग 22 23 तारीख, 4-5 दिन के बाद। ओके, चलो बाय। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। मैं नोट इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, ओके सर।
अच्छा हाँ, वन सेकेंड, रुको रुको रुको, अटेंडेंस लेने दो मुझे, रुको रुको भैया, अभी कहाँ, कल मैंने देखा बहुत कुछ लोग चले जाते हैं बीच बीच में, लास्ट में भी अटेंडेंस लूंगा और स्टार्ट में भी लूंगा, उससे दोनों बात कवर हो जाएगी, जो बीच में आए हैं उनका भी बन गया। और सर हम तो लास्ट टाइम में लीव लिए थे क्लास से, कोई नहीं, चलो कौन कौन आए हैं अभी, चैताली राय इज देयर, यस सर, चैताली इज प्रेजेंट, कीर्ति इज पर, जो जिसका अटेंडेंस कॉमन हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, तो आई विल मेक हर और हिम बोल्ड, दैट मींस दैट स्टूडेंट वाज प्रेजेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। कीर्ति, कुंदन, he also yes sir. present for the entire duration, bold kar diya, lucky was also there since beginning, nandini bhi, kahan nandini hai, uske baad pooja kumari, पूजा कुमारी एंड पूजा अभी आई, पहले नहीं थी, तो विदाउट बोल्ड, पूजा भारती, पूजा कुमारी के बाद प्रगति शर्मा है, प्रगति शर्मा, प्रगति, हाँ ये भी बोल्ड होगा, पूजा भारती, यस सर, पूजा भारती बाद में आई थी, पूजा भारती, रिचा, ये भी स्टार्टिंग से है, बोल्ड, साक्षी श्री, सी इज आल्सो सिंस स्टार्ट, साक्षी श्री, फिर शालिनी, शालिनी कहाँ है, शालिनी यहाँ, ये भी है स्टार्ट से, समा, समा लेट आई है, शिल्पी, ये भी स्टार्ट्स, ओके हो गया, अटेंडेंस इज कंप्लीट, सो अब्सेंट हो गए, अच्छा ये अभिलाषा को किसी, आप लोग फ्रेंड रिचा एंड शिल्पी, शिल्पी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आपने फोन करके पता किया अभिलाषा का, क्या बात है, बात होती है आपके, यस सर वो मुंगेर में नहीं है, वो अपने लॉ जोन पे गई हुई है, तो वहां से उसको कुछ फैमिली इशू है जिसके कारण वो क्लास नहीं कर पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा उसको, तो टाइम चेंज करने वो बोल रही थी हमको, तो बोल रही थी कि अगर टाइम चेंज हो जाता है, मतलब आफ्टरनून में अगर क्लास होता है तो वो कर सकती है, अदरवाइज उसको टाइम नहीं मिल पाता, वो अपने ससुराल गई हुई अभी, इसलिए तो क्या करूं, क्लास बंद कर दूं, क्योंकि टाइम तो मैं दोपहर का दे नहीं पाऊंगा, फिर आप सारे लोगों का क्लास मिस हो जाएगा, तो वो बोली है रिकॉर्डिंग देख लो, हाँ तो वो अगर रिकॉर्डिंग देखेगी तब ठीक है, आई विल रिमूव हर फ्रॉम हियर, ओके, क्योंकि इतना अब्सेंट नहीं चलेगा ना, जो भी रीजन रहा हो, पर्सनल रीजन मान लिया, होता है गर्ल्स के साथ, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, कहेंगे है, बर्तन पढ़ने आए, अभी खाना बनाओ चुपचाप, यस सर वही प्रॉब्लम है, वो बताई होंगे, ऐसे भी बोलेंगे वो लोग, तो उसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन उसकी वजह से फिर क्लास का माहौल खराब होगा, सो मैं तो एक लार्जर कंटेक्स्ट में सोचूंगा, दैट इज हर पर्सनल प्रॉब्लम, उसको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम होता है यंग एज में, बिफोर मैच्यूरेशन इफ यू, मतलब मैरिज होगा तो, ठीक है ना, आई फील पीटी फॉर हर, बट आई एम ऑल्सो मजबूर, मैं क्या करूं, तो अभिलाषा थर्ड कॉलम में मैंने इसको रखा था, जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उसको ऐसे करके मैंने रखा, बट सी जो है सडनली बिकेम इनएक्टिव,
तो ये बीच में ऑड एलिमेंट हो गया ना, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव हर. हिट एडिशन ऐड कॉलम आफ्टर. यहाँ पर कोई एक्टिव को हम इंक्लूड कर देंगे. हु इज द मोस्ट एक्टिव वन? साक्षी श्री भी है, कीर्ति भी है, सब लोग है, तो इसको लास्ट से कौन है? पी 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 नीली, नीली को डाल दो. चलो अच्छा, अब कौन बीच में गया? समा. अच्छा, अब्सेंट कौन कौन है? सब प्रेजेंट है. तुषार नहीं आए है ना, तुषार भाई साहब नहीं आए. राहिला, राहिला आई? राहिला भी नहीं आई. ईशा आई थी? ईशा भी नहीं आई. एंड जिज्ञासा, जिज्ञासा आई है? नो. चलो, अटेंडेंस इज कंप्लीट नाउ. वी विल मीट आफ्टर 4-5 डेज. ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर.